सभी को नमस्कार और आप सभी का स्वागत करती हूँ अग्निशक्ति योग से। मैं वेट लॉस एक्सपर्ट आशा आशा विश्व के विभिन्न कोनों से जो योग क्लास से जुड़े हुए हैं उन सभी का स्वागत करते हुए, आज शुक्रवार पावर योग का दिन है, आज हम पावर योगा करेंगे। पावर योगा के बेनिफिट आप लोगों को थोड़े से समझा देती हूँ। इसमें काफी सारे पोस्चर, जो एक सीरीज होती है जिसमें कि वीर भद्रासन के द्वारा कम से कम 14 या 18 सीरीज है, लेकिन हम पूरा नहीं करते हैं, हम उसे शॉर्ट शॉर्ट में धीरे धीरे करते हैं और 90 डेज में उसे कंप्लीट करेंगे। वो इसीलिए क्योंकि उसमें शरीर की थोड़ी ताकत ज्यादा लगती है, ट्विस्टिंग शरीर में ज्यादा होती है। जिन लोगों को हेल्थ इश्यूज है या जो लोग प्रॉपर डाइट फॉलो नहीं कर रहे हैं उनको उसमें कभी कभी खिंचाव हो सकता है, इसलिए हम उसमें से बहुत सिंपल और आसान वाले इस रेगुलर क्लास के दौरान वर्कआउट करते हैं। जैसे ये 90 डेज शुरू हो जाएगा, हमारा कॉम्पिटिशन की तैयारी शुरू हो जाएगी, सबसे पहले आप लोगों को डाइट के द्वारा या प्रॉपर आहार के द्वारा कि आपको क्या करना है जिससे आपके शरीर की एनर्जी बढ़े और आपके जॉइंट और मसल एंड बोन स्ट्रॉन्ग बने, उसके बारे में आपको पूरा समझाया जाएगा बहुत डिटेल में। उसके बाद अगले दिन से आपका वर्कआउट शुरू होगा, क्योंकि जैसे ही आप इंटेक करेंगे, आप पोषक तत्वों भरा आहार या न्यूट्रिशन का इंटेक आप बढ़ाएंगे और भोजन सही समय पर और जो मैं आपको बताने वाली हूँ कि क्या करना है, जैसे ही आप उन नियमों को पालन करना शुरू करेंगे, आप देखेंगे कि 3 से 6 दिन के भीतर आपका एनर्जी लेवल जबरदस्त बढ़ेगा। जिनको भी एसिडिटी है, सिर दर्द है, प्लॉटिंग है, उन लोगों की प्रॉब्लम 3 से 5 दिन के भीतर बिल्कुल खत्म हो जाएगी, शरीर का बहुत सारा दर्द बिल्कुल निकल जाएगा, एनर्जी लेवल हाई हो जाएगा। तब तक 1 हफ्ते तक हम कोई भी वर्कआउट को रेगुलर इंटेंसिटी पे करेंगे और जैसे जैसे आपका आहार संतुलित होता जाएगा आप अपने पे ध्यान देने लगेंगे। आप देखेंगे यदि मैं यहाँ पे वर्कआउट को थोड़ी इंटेंसिटी यदि बढ़ाती जाऊंगी उसका कोई भी साइड इफेक्ट आपके ऊपर बिल्कुल भी नहीं होगा। एक तो वैसे भी बहुत समझ के, सोच समझ के सारे वर्कआउट 90 डेज के दौरान डिजाइन किए जाते हैं जिससे कि मेहनत कम हो, शरीर को तकलीफ कम हो, लेकिन इफेक्ट और रिजल्ट कई गुना आप लोगों को मिले, इस बात का बहुत ध्यान रखा जाता है 90 डेज में। उस दौरान आप खुद ही इतने अच्छे तरीके से ट्रेंड हो जाते हो कि 90 डेज के बावजूद भी उस अपने शौक को या योगा की प्रैक्टिस को आप न चाहते हुए भी आप रेगुलर करते ही हो, क्योंकि वो इतने सिंपल है, इतने आसान है और बहुत अच्छे हैं और उनको करने में बहुत मजा आता है। इसी वजह से हमें ये रेगुलर क्लासेस बंद करनी पड़ेगी 13 तारीख तक। 13 तारीख तक ये रेगुलर क्लासेस चलेगी क्योंकि इसके वर्कआउट सिंपल हैं, इन्हें कोई भी कर सकता है, किसी को भी शारीरिक परेशानी नहीं होगी। लेकिन जैसे ही 90 डे शुरू हो जाएगा वर्कआउट बदल जाएगा। लोगों को एक्चुअली बहुत सारे जिनको हेल्थ प्रॉब्लम है उन्होंने भी ज्वाइन किया है, जिनको साइटिका है, जिनको स्लिप डिस्क या सर्वाइकल का प्रॉब्लम है या कोई और तकलीफ है या नहीं प्रॉब्लम है, उन लोगों ने भी ज्वाइन किया है। बल्कि उन लोगों को तो ज्यादा संख्या में ज्वाइन करना भी चाहिए, क्योंकि केवल एक्सरसाइज काफी नहीं होती है। एक्सरसाइज आपको केवल 20% हेल्प करती है, विदाउट एक्सरसाइज केवल आहार के द्वारा या भोजन के द्वारा या बहुत सारा खाकर, और वो भी जो आप हर रोज में बनाते हैं दूसरों के लिए लेकिन आप नहीं खाते हैं, वो खाना मैं आपको सिखाऊंगी, मन से आपके वो डर निकालूंगी कि जो जिस खाकर, जो भोजन खाकर आप पहले वजन बढ़ जाता था आपका, वही भोजन खाकर अब आपका वजन रिड्यूस होगा। ये पूरा कंप्लीट 3 महीने के दौरान एक ट्रेनिंग का हिस्सा होगा। तो जिन लोगों को हेल्थ प्रॉब्लम है, हड्डियों का दर्द है, जो लोग वर्कआउट नहीं कर सकते हैं वे भी इस प्रोग्राम को आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। कुछ ही दिनों के बाद वो देखेंगे, 1 हफ्ते के बाद, 2 हफ्ते के बाद उनका शरीर धीरे धीरे एक्सरसाइज उनका शरीर करने लगेगा, क्योंकि उनके जोड़ और हड्डियां लचीले हो जाएंगे, स्टिफनेस कम हो जाएगी,
क्योंकि वात की वजह से जो प्रकृति हमारे शरीर में तीन तरह की प्रकृति होती है, वात कफ पित्त, ये तीनों में से कोई भी इम्बेलेंस होता है तो आपकी कोई भी शारीरिक परेशानी बढ़ जाती है, किसी भी रूप में वो आपके सामने आती है। उन सब व्याधियों से, उन सब समस्याओं से आपको मुक्ति मिलने लगती है, शरीर एनर्जेटिक होने लगता है, लचीला हो जाता है। जैसी फिर आप एक्सरसाइज करेंगे, बढ़ाएंगे धीरे धीरे, तो बिना किसी तकलीफ के आप देखेंगे कि आपकी समस्याएं भी हल हो रही हैं और आप एक्सरसाइज भी बड़े आराम से अच्छे ढंग से करने लगे हो। बहुत ही ब्यूटीफुल प्रोग्राम है। आज उसका आखिरी दिन है जिसमें कि अर्ली बर्ड डिस्काउंट है। वैसे तो 13 तारीख तक आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, लेकिन 2000 रुपीज का अर्ली बर्ड डिस्काउंट आप लोगों को आज रात तक ही अवेलेबल है। यदि आप किसी ऐसी महिला को जानती हो जो बहुत परेशान हो, अपनी शारीरिक व्याधियों से, समस्याओं से ग्रस्त हो और दुखी हो, अगर नहीं भी हो लेकिन मन से परेशान हो या परेशानियों से घिरी हुई हो या चिंताओं से घिरी हुई हो, यदि आप उसका अच्छा चाहते हैं, जरूर इस प्रोग्राम से जोड़िए, क्योंकि आप माध्यम बनेंगे ऐसी महिलाओं के दुख को, तकलीफ को दूर करने का। आज के लिए अब हम पावर योगा की वर्कआउट शुरू करते हैं, जो कि 90 डेज में बिल्कुल डिफरेंट तरीके का होगा। उस समय का टाइम टेबल हमारा, एक्सरसाइज का रूटीन डिफरेंट होगा, लेकिन सिंपल पावर योग जो कि शरीर को सच में ताकत देता है, ट्विस्टिंग इसमें बहुत होती है और हम लोअर बॉडी के लिए इसमें वर्कआउट ज्यादा करते हैं, कमर के लिए, हिप्स के लिए और थाइस के लिए। पेट तो इसमें इन्वॉल्व होता ही है, पेट को हम ब्रीदिंग के द्वारा, हम अपने लंग्स एंड एब्डोमिन को हम ब्रीद के द्वारा, या तो पिलाटे ब्रीद या भस्त्रिका ब्रीद के द्वारा हम आज पावर योगा के कॉम्बिनेशन के साथ आज का वर्कआउट करेंगे। उसके पहले खड़े होकर वार्म अप और चिन अप एंड डाउन, गर्दन के लिए चिन अप एंड डाउन, सामने की ओर पहले राइट साइड देखना है, फिर आपको लेफ्ट साइड देखना है। गर्दन की दूसरी मसल आपने इसमें एंगेज की है, गर्दन को, गले को लचीला बनाने के लिए, गर्दन की हड्डियों और मसल को लचीला बनाने के लिए हर डायरेक्शन में हम सूक्ष्म व्यायाम करेंगे। एक तरफ गर्दन को झुकाना है और दूसरी तरफ, रोटेशन, नेक रोटेशन 3 टाइम ईच साइड। इसे हल्के से करना है, आराम से करना है, कोई जोर नहीं लगाना है। ऑपोजिट, थ्री टाइम ऑपोजिट एंड शोल्डर रोटेशन पे, कंधों के लिए अपने कंधों को आगे की ओर, एल्बोस को आगे की ओर, कान के पीछे की ओर, शोल्डर को पीछे की ओर, चेस्ट ओपन, इस तरीके से हर डायरेक्शन में खींचते हुए इसको उठाएंगे। रिवर्स ऑपोजिट साइड, एल्बोस अपने कोहनियों के लिए, जिनको टेनिस एल्बो है या फ्रोजन शोल्डर है या हाथों में, कंधे में, सर्वाइकल के आसपास के हिस्से में दर्द है, उनके लिए ये सूक्ष्म व्यायाम बहुत फायदेमंद है। जिनको कोई भी परेशानी, समस्या नहीं है, उनके लिए भी ये बहुत फायदेमंद है। फ्यूचर में बचते हैं हम इन परेशानियों से रेगुलर सूक्ष्म व्यायाम करने की वजह से। फिंगर को ओपन एंड स्ट्रेच, उंगलियों को खींचेंगे, ओपन करेंगे, अंगूठे को अंदर की ओर और प्रेस करेंगे। उंगलियों के पोर से मस्तिष्क तक बहुत छोटी छोटी बारीक नसें और नाड़ियां ट्रेवल करती हैं,
जिसमें ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है और इसकी वजह से मानसिक शांति मिलती है, मन शांत होता है। इसलिए उंगलियों को खोलें और स्ट्रेच करें। मन शांत होने के अलावा हड्डियों के जोड़ों में जो दर्द होता है, किसी किसी को आर्थराइटिस की परेशानी है, वो भी इससे सॉल्व होती है। जिसको नहीं है वो फ्यूचर में प्रॉब्लम नहीं होगा, उससे आप बचे रह सकते हैं। फिंगर ओपन एंड स्ट्रेच, उंगलियों को रिलैक्स रखें, अंगूठे को बाहर रखें एंड रोटेशन। ये आपके रिस्ट के लिए ऑपोजिट, हथेली को दूसरी हथेली से पीछे की ओर खींचेंगे इस तरीके से, एल्बो स्ट्रेट, हथेली नीचे की ओर और अंदर की ओर खींचना है उंगलियों को, जिससे आपके कंधे का, आपके एल्बो, रिस्ट का और उंगलियों का लचीलापन बढ़ेगा। अपने एल्बो को पीछे की ओर, ऑपोजिट रिपीट करेंगे और साइड बेंडिंग भी करेंगे, स्ट्रेच, ऑपोजिट साइड, रिलैक्स, दोनों हाथ पीछे की ओर। ये भी आपको बहुत कंधे की और हाथों की बहुत सारी परेशानियों से, गर्दन का शोल्डर और पीठ की बहुत सारी परेशानियों से ये सूक्ष्म व्यायाम आपको मुक्ति में दिलाते हैं। अपर बॉडी रोटेशन 3 times, इसे 3 times से ज्यादा नहीं करना है। कमर के ऊपरी हिस्से के लिए ये वाला व्यायाम फायदेमंद है, लेकिन इसे ज्यादा नहीं करते हैं। केवल कमर को लचीला करने के लिए, कमर के दर्द को कम करने के लिए या दर्द ना हो उसके लिए है ये वाला कमर का सूक्ष्म व्यायाम। लोअर बॉडी यानी कि हिप रोटेशन, अपने कमर को गोलाई में घुमाएंगे और बड़ा सा सर्कल बनाएंगे, जितना बड़ा सर्कल बनाएंगे उतना अच्छा, 6 to 8 times। इस दौरान भी अपने एब्डोमिनल मसल को होल्ड रखें, ढीला ना छोड़े। पूरा 1 to 1.5 hours के लगभग हर रोज के व्यायाम में एब्डोमिनल मसल को ढीला ना छोड़ते हुए व्यायाम करने का बहुत जबरदस्त फायदा आपके पेट को मिलेगा। नीज रोटेशन, कितना भी आप व्यायाम कर ले, आप कितना भी रनिंग कर ले, कोई भी एक्सरसाइज कर ले, पेट को कम करने के लिए उसके तरीके बिल्कुल अलग हैं। ऑपोजिट साइड, एंकल रोटेशन, ऑपोजिट रोटेशन, alternate leg, opposite side, सूक्ष्म व्यायाम करके अब हमने पूरे शरीर को तैयार कर लिया। दोनों toes and heel आपस में मिले हुए, shoulder lift, roll back, chest open, deep breathing, breathe out, दोनों हाथ ऊपर की ओर, deep breathing, ब्रीद आउट करते हुए ताड़ासन, एब्डोमिनल मसल लिफ्ट, टाइटली होल्ड, ब्रीद स्लोली, आंखें एक बिंदु पर फोकस, श्वासें हल्की हल्की, लेकिन अपने पेट को ढीला नहीं छोड़ेंगे, पूरी ताकत के साथ अपने शरीर को ऊपर की ओर खींचेंगे, आपके शोल्डर पीछे की ओर खींचे हुए, चेस्ट ओपन, कंधे को ऊपर की ओर पूरी ताकत के साथ खींचते हुए, एल्बोस को सीधा रखते हुए एंड कम बैक। शोल्डर लिफ्ट, रोल बैक, चेस्ट ओपन, पीठ को सीधा, फिंगर को लॉक, इसमें अलग मसल आपकी एंगेज होगी। ऊपर की तरफ हाथ को खींचना है, हाथ कान के पीछे की तरफ, डीप ब्रीदिंग, ब्रीद आउट, एब्डोमिनल मसल लिफ्ट, ऊपर की ओर पूरी ताकत लगाकर खींचे,
शोल्डर एल्बोज एक सीध में, आंखों को एक बिंदु पर फोकस, एब्डोमिनल मसल लिफ्ट, पेट को ना भूलें, लिफ्ट एंड होल्ड रखें, अपने घुटनों में भी खिंचाव को फील करें, थाइस मसल में खिंचाव को फील करें, हिप्स, टमी, चेस्ट, शोल्डर ऊपर की ओर खींचते हुए आपके एल्बोज को सीधा रखें, कंधे को ऊपर की ओर ताकत लगाकर खींचें और साइड ऑब्लिक मसल को फोकस करें एंड कम बैक। शरीर को ढीला, फ्रंट बेंडिंग के लिए तैयार, शोल्डर लिफ्ट, रोल बैक, चेस्ट ओपन, दोनों हाथ सीधे रखते हुए ऊपर की ओर खींचना है, ऊपर की ओर। डीप ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, एक्सहेल, एब्डोमिनल मसल लिफ्ट, चिन सामने की ओर रखते हुए अपने स्पाइन को आगे की ओर खींचे, लोअर एब्डोमिन लिफ्ट, अपने चेहरे को फ्लोर की तरफ बढ़ाएं, चिन अप रखते हुए फ्लोर की तरफ बढ़ाएं और कमर के निचले हिस्से से झुकिए, एब्डोमिनल मसल को ढीला ना छोड़ें, टमी को स्क्वीज एंड टाइटली होल्ड रखें, टेल बोन अंदर की ओर यानी कि पेल्विक टिल्ट, नी स्ट्रेट एंड लॉक, घुटनों में पीछे की तरफ खिंचाव को महसूस करें, कमर के निचले हिस्से से थोड़ा सा और नीचे की तरफ आते हुए। जिनको सर्वाइकल या बैक का प्रॉब्लम है वे लोग इसको कुछ ही सेकेंड होल्ड करें और वापस जाएं, लेकिन बाकी लोग थोड़ी देर होल्ड रखें, श्वास हल्की हल्की लेकिन एब्डोमिनल मसल लगातार लिफ्ट। उठने के पहले ब्रीद आउट, टमी स्क्वीज, होल्ड एंड स्लोली पहले चिन अप एंड स्लोली कम बैक। ऊपर की तरफ हाथ को खींचेंगे, डीप ब्रीद इन ब्रीद आउट, एब्डोमिनल मसल लिफ्ट, एक्सहेल के साथ ही अपनी टमी को खींच लेंगे ऊपर की ओर, नेवल अप, दोनों हाथ खींचते हुए चिन अप रखते हुए स्लोली डाउन, चेहरे को अपने चेहरे को फ्लोर की तरफ बढ़ाएं, टेल बोन अंदर की ओर, नी स्ट्रेट एंड लॉक, एब्डोमिनल मसल टाइटली होल्ड, पेट को ढीला ना छोड़ें, श्वासें हल्की हल्की लेकिन टमी स्क्वीज एंड होल्ड, पैरों में पीछे की तरफ खिंचाव को महसूस करें, नीचे झुकने के लिए कमर के निचले हिस्से पर खिंचाव को फील करते हुए अपने स्पाइन को नीचे की ओर चेहरे के द्वारा खींचते हुए ब्रीथ स्लोली, टमी स्क्वीज, उठने के पहले ब्रीद आउट, टमी स्क्वीज, टाइटली होल्ड एंड कम बैक, स्लोली कम अप, रिलैक्स, गहरी श्वास और शरीर को ढीला। बैक बेंडिंग के लिए पहले अपर बॉडी बेंड और फिर कमर को, कंधे, आपके घुटने को मोड़ना है, इस तरीके से ब्रीद इन ब्रीद आउट, बैक एंड नी बेंड एंड होल्ड फॉर 3 काउंट। उसे ज्यादा होल्ड करने की जरूरत नहीं होती बैक बेंडिंग में। शुरू करेंगे, डीप ब्रीद इन ब्रीद आउट, बैक डाउन, Hold for 3 count and come up. Repeat करेंगे एक बार फिर से, deep breathe in, breathe out, back, knee bend and down, 1, 2, 3, come back and deep breathing. हो सकता है कभी कभी किसी को गिडीनेस या हल्का सा सिर घूमे, लेकिन तुरंत आप गहरी श्वास लें, होता है कभी कभी किसी को हो सकता है, इसलिए चिंता ना करें, इसमें चिंता की कोई बात नहीं है, और तुरंत गहरी श्वासों को लें। अब साइड बेंडिंग के लिए हमने फ्रंट बेंडिंग किया, बैक बेंडिंग किया, अब साइड ऑब्लिक के लिए शोल्डर लिफ्ट, रोल बैक, चेस्ट ओपन, एक हाथ को ऊपर की ओर खींचे, दूसरा वाला हाथ आपके थाइस पर सपोर्ट के लिए, एक्सहेल, एब्डोमिनल मसल लिफ्ट एंड होल्ड फॉर 5 count, 1, 2, 3, 4 and 5, कम बैक, हाथ को नीचे, शोल्डर लिफ्ट, रोल बैक, चेस्ट ओपन,
डीप ब्रीद इन ब्रीद आउट करते हुए हाथ को ऊपर की ओर खींचे। डीप ब्रीद इन ब्रीद आउट। एब्डोमिनल मसल लिफ्ट, टाइटली होल्ड, बटक स्क्वीज, कमर को इस हिस्से से अंदर की ओर प्रेस करें और बाहर की ओर धकेले और साइड ऑब्लिक में खिंचाव को फील करें। चेस्ट एंड शोल्डर ओपन ऊपर की तरफ, आपके बाहें कान के पीछे की तरफ, नीचे वाले हाथ से सपोर्ट देना है अपर बॉडी को। पैरों को जमीन तक प्रेस करें जिससे साइड ऑब्लिक में खिंचाव को आप फील कर सकें। एंड कम बैक। रिपीट करेंगे एक एक बार और। ये देखने में बहुत आसान है और सही तरीके से, सही टेक्निक के साथ यदि आपने किया, बहुत इफेक्टिव है। ये आपकी कमर को वी शेप देता है, उसके साथ ही साइड के जितने भी चर्बी के लोथड़े होते हैं जो आपके ब्रेस्ट के आसपास होते हैं, जो आपके कमर के आसपास होते हैं, या जिसको आप लव हैंडल बोलते हैं, उसको कम करने के लिए ये बहुत फायदेमंद है। लेकिन जरूरी है पोस्चर सही होना। इसे चेस्ट एंड शोल्डर को ओपन करें, आंखों से सामने की ओर देखें या ऊपर की ओर देखें, नीचे वाले हाथ का सपोर्ट, कमर को यहां से अंदर की ओर धकेलें और बाहर की तरफ से खिंचाव को फील करें। एंड कम बैक। रिलैक्स। शरीर को पहले तैयार करें और तब पोस्चर को बनाएं जिससे कि सही मसल आपकी एंगेज हो। सही मसल को एंगेज करना बहुत जरूरी है। डीप ब्रीदिंग विद आउट। कमर को यहां से अंदर की ओर धकेले और बाहर की ओर पुश करें। साइड में स्ट्रेच को फील करें। दोनों पैरों को जमीन पर प्रेस करें। नीचे वाला हाथ थाइस पर सपोर्ट के लिए ऊपर वाले हाथ को दूसरी तरफ खींचने की कोशिश। एब्डोमिनल मसल लिफ्ट, बटक स्क्वीज, नी स्ट्रेट, थाइस भी टाइट, थाइस को अपने टाइटली होल्ड रखें। श्वासें हल्की हल्की लेकिन पेट को ढीला ना छोड़ें। पोस्चर को परफेक्ट रखने की कोशिश। अपने शोल्डर और हाथ को पीछे की तरफ, आपके कान और चेहरे के पीछे की तरफ रहेगा। ब्रीथ स्लोली। उठने के पहले ब्रीद आउट, टमी स्क्वीज एंड कम बैक एंड रिलैक्स। डीप ब्रीदिंग। गहरी श्वासें लेने से ऑक्सीजन आपके शरीर के हर एक हिस्से तक पहुंचती है, जो कि आपकी फैट बर्निंग भी कराती है और शरीर के दर्द को भी कम करती है। हमने कंधे के लिए काफी देर होल्डिंग किया, इसलिए सूक्ष्म व्यायाम जरूरी है। नहीं तो कभी कभी एक्सरसाइज के बाद जो बॉडी दुखती है वो इसी वजह से दुखती है, इसलिए सूक्ष्म व्यायाम बीच बीच में करते रहने चाहिए। एंड रिलैक्स। दोनों पैरों के बीच कंफर्टेबल डिस्टेंस। हर एक महिला के लिए, महिला हो चाहे पुरुष हो, सभी के लिए कमर का और पेट सभी का सही शेप में होना चाहिए। इसके लिए हम एक वर्कआउट और करेंगे जिसमें कि साइड बेंडिंग एंड मूवमेंट और पिलाटे या भस्त्रिका ब्रीदिंग। शोल्डर लिफ्ट, रोल बैक, चेस्ट ओपन। वन, सेंटर में इनहेल एक्सहेल। टू, थ्री। इस दौरान अपने एब्डोमिनल मसल को लिफ्ट एंड टाइटली होल्ड रखें। ग्लूट को, बटक्स को स्क्वीज रखें। नी को स्ट्रेट एंड लॉक रखें। अपने पैरों को सीधा रखें। अपने थाइस मसल को टाइटली होल्ड। और फिर एक तरफ झुकते हुए अपने पैरों को जमीन पर प्रेस करें। पिलाटे या भस्त्री का ब्रीद जरूर करें। ये आपकी टमी को अंदर गहराई तक मसल को एंगेज रखता है, इसलिए कम मेहनत और रिजल्ट बहुत ज्यादा। सेंटर में इनहेल एक्सहेल एंड डाउन। एक्सहेल करके अपने एब्डोमिनल मसल को लिफ्ट कर लें, होल्ड कर लें। बटक्स को लगातार स्क्वीज रखें। इनहेल एक्सहेल चलता रहेगा लेकिन टमी को ढीला ना छोड़ें। ये कमर और पेट को शेप देने के साथ साथ आपके इंटरनल ऑर्गन पे और साथ ही हड्डियों पे भी काफी इफेक्टिव है, जिससे कि आपकी कमर और साइड वाले हड्डियां और मसल लचीले होते हैं और किसी भी तरीके के दर्द से आपको फ्यूचर में दर्द नहीं होता अक्सर। एंड रिलैक्स। शरीर को ढीला और डीप ब्रीथ करेंगे जिससे कि ऑक्सीजन हमारे पूरे शरीर के हर एक हिस्से तक अच्छी मात्रा में पहुंचे।
और फिर सूक्ष्म व्यायाम शोल्डर को रोटेशन, क्योंकि हमने कंधे को इसमें इन्वॉल्व किया एन ऑपोजिट। इसके अलावा हमने पीठ को भी, अपने बैक को भी एंगेज किया, इसलिए एल्बो को प्रेस ऑपोजिट साइड पीछे की ओर, दूसरा हाथ बैक ऑपोजिट एंड रिलैक्स। त्रिकोण आसन के लिए तैयार होंगे। त्रिकोण आसन हमारे बीच के हिस्से को और थाइस को, हिप्स को बहुत बढ़िया शेप देता है। दोनों हाथ कंधे की सीध में, ये एक्चुअली पूरे शरीर को शेप देता है। कंधे को, कंधे की सीध में दोनों हाथों को चेक करें, डीप ब्रीद इन ब्रीद आउट। एक तरफ पहले खींच कर ले जाना है अपर बॉडी को, शोल्डर को, और फिर एक हाथ आपके एंकल्स के पास, दूसरा वाला हाथ ऊपर, ओपन चेस्ट एंड शोल्डर ओपन, नी स्ट्रेट एंड लॉक। आंखों से ऊपर वाले हाथ की ओर देखने की कोशिश करें, लेकिन टमी को स्क्वीज रखें, घुटने को बिल्कुल सीधा, नी स्ट्रेट एंड लॉक, श्वासें हल्की हल्की। उठने के पहले ब्रीद आउट, टमी स्क्वीज एंड कम बैक। शरीर को, पोस्चर को सही बनाते हुए शोल्डर लिफ्ट रोल बैक, डीप ब्रीद इन ब्रीद आउट ऑपोजिट साइड। फिर नीचे वाले हाथ को नीचे की ओर और ऊपर वाला हाथ नी स्ट्रेट एंड लॉक। ब्रीथ स्लोली, श्वासें हल्की हल्की, एब्डोमिनल मसल लिफ्ट। आंखों से ऊपर वाले हाथ हथेली की ओर देखने की कोशिश करें। 1, 2, 3, 4 and 5 कम बैक। एक हाथ कान के पीछे, दूसरा हाथ थाइस पर, ऊपर वाले हाथ को ऊपर की ओर खींचे, डीप ब्रीद इन ब्रीद आउट, एक्सेल स्लोली डाउन। नीचे वाले हाथ पर अपर बॉडी का वेट एंड सपोर्ट, ऊपर वाला हाथ कंधे की सीध में, एब्डोमिनल मसल लिफ्ट, नी स्ट्रेट एंड लॉक, श्वासें हल्की हल्की। 1, 2, 3 कम बैक। ऑपोजिट हैंड शोल्डर लिफ्ट रोल बैक, चेस्ट ओपन ऑपोजिट साइड के लिए शरीर तैयार। इनहेल एक्सहेल करते हुए ऑपोजिट साइड डाउन, साइड ऑब्लिक में खिंचाव को फील करें, नी को स्ट्रेट एंड लॉक रखें, हाथ को दूसरी ओर ताकत लगाकर खींचे, ब्रीथ स्लोली। 1, 2, 3, 4 and 5 कम बैक। दोनों हाथ कंधे की सीध में, दोनों हाथ ऊपर खींचेंगे ताकत के साथ, डीप ब्रीद इन ब्रीद आउट। चिन अप करते हुए अपने हाथों से अपने एंकल्स को होल्ड, कमर के निचले हिस्से से झुकेंगे, पैरों में पीछे की तरफ खिंचाव, नी स्ट्रेट एंड लॉक, एब्डोमिनल मसल लिफ्ट, स्क्वीज एंड टाइटली होल्ड। 1, 2, 3 ब्रीद आउट, टमी स्क्वीज एंड कम बैक। स्लोली कम बैक, दोनों हाथों को कंधे की सीध में, डीप ब्रीद इन ब्रीद आउट, ऑपोजिट साइड एंड होल्ड फॉर 3 count. 1, 2, 3 कम बैक। डीप ब्रीद इन ब्रीद आउट, एब्डोमिनल मसल लिफ्ट, ऑपोजिट साइड होल्ड। 1, 2, 3 कम बैक। दोनों हाथ ऊपर की ओर। अब हम कमर के लिए, थाइस के लिए पवन चक्की, लेकिन पिलाटे या भस्त्रिका ब्रीदिंग के साथ, सेंटर में डीप इनहेल एक्सहेल। 1 टमी स्क्वीज टाइटली होल्ड। 2, 3 एंड लास्ट 4 ऑपोजिट साइड के लिए तैयार। अपर बॉडी को ऊपर की ओर खींचना है, डीप ब्रीद इन ब्रीद आउट। 1 जब आप नीचे झुकते हैं तो कमर के निचले हिस्से को
खिंचाव को फील करें, घुटना बिल्कुल नीस स्ट्रेट एंड लॉक रखें। थ्री, यहां इनहेल एक्सहेल। फोर एंड रिलैक्स। शरीर को ढीला, गहरी श्वासें। अपने घुटने को उठाएंगे और पीठ पर दबाएंगे। ये भी सूक्ष्म व्यायाम है, स्ट्रेचिंग है आपके हिप से लेकर पीछे की ओर, आपके थाइस की पीछे की मसल, ये इनर थाई की मसल, ये फ्रंट थाई की मसल को स्ट्रेच करने के लिए, जिसे आपके पैरों में और कमर में दर्द ना हो। इसको लिफ्ट एंड प्रेस, स्ट्रेच एंड स्ट्रेच एंड रिलैक्स। वीरभद्रासन के लिए तैयार होंगे। ये हमारे बीच के शरीर को बहुत खूबसूरत शेप देता है, आपकी टांगों को, आपके थाइस को टोनिंग एंड टाइटनिंग करेगा। एक तरफ का टोस सामने की ओर, दूसरा टोस अंदर की ओर, लेकिन दोनों घुटने बिल्कुल सीधे। शोल्डर लिफ्ट एंड रोल बैक, चेस्ट ओपन, कंधे आपके मेरी तरफ सामने की ओर, दोनों हाथ कंधे की तरफ। डीप ब्रीदिंग, ब्रीद आउट। एब्डोमिनल मसल लिफ्ट एंड फ्रंट नी बेंड एंड होल्ड फॉर 5 count। एब्डोमिनल मसल लिफ्ट, अपनी बॉडी को, अपर बॉडी को थोड़ा सा पीछे की ओर खींचे, जिससे कि आपका शरीर सही स्थिति में आ जाए, दोनों पैरों के सेंटर में आ जाए। ब्रीदिंग, ब्रीद आउट करते हुए पोस्चर को होल्ड। 1, 2, 3। नी स्ट्रेट, पुश, अपर बॉडी को होल्ड रखेंगे। इनहेल एक्सहेल, टमी स्क्वीज टाइट भी होल्ड, फ्रंट नी होल्ड। 1, 2, 3, 4 and 5। रिलैक्स। ऑपोजिट साइड, यदि आप चाहें, कोई कंफ्यूजन हो तो योगा मैट की इस लाइन को यूज कर सकते हैं। अपने दोनों पैरों के अंगूठे को या उंगलियों को इस लाइन से टच करें और दूसरा वाला पैर आपके टोज एंड हील दूसरी तरफ, पीछे वाले पैर की टोज अंदर की ओर और ये वाला टोज आगे की ओर, ये थोड़ा सा अंदर की ओर आएगा। दोनों कंधे मेरी ओर सामने की ओर, शोल्डर लिफ्ट, रोल बैक। परफेक्ट पोस्चर जरूरी है, वरना सही शेप नहीं मिलेगा। डीप ब्रीदिंग, ब्रीद आउट। फ्रंट नी बेंड एंड होल्ड फॉर 3 count। अपने एब्डोमिनल मसल को लिफ्ट रखें। 1, 2, 3। नी स्ट्रेट एंड लॉक, रिपीट फॉर 5 count। डीप इनहेल एक्सहेल। एब्डोमिनल मसल लिफ्ट, बटक्स को स्क्वीज, यहां से कमर को नीचे की ओर धकेले, नीचे अंदर की ओर। अपने नी को ओपन करें, शोल्डर को लिफ्ट करें, एब्डोमिनल मसल को लिफ्ट करें, अपर बॉडी को थोड़ा सा पीछे की ओर लें, जिससे कि सेंटर में आ जाए शरीर, एंड कम बैक। रिलैक्स। अपने शरीर को ढीला, पावर योगा की सबसे सिंपल और छोटी सीरीज को परफॉर्म करेंगे। अपने टोस पहले आगे की ओर और फिर एक एड़ी आपकी योगा मैट की साइड में, पीछे वाला एड़ी पीछे की ओर, शोल्डर सामने की ओर, शोल्डर लिफ्ट एंड रोल बैक, चेस्ट ओपन, दोनों कंधे एक सीध में। डी ब्रीद इन, ब्रीद आउट। होल्ड फॉर 3 count। 1, 2, 3। पीछे की ओर होल्ड फॉर 3 count। 1, 2, 3। स्ट्रेट। 1, 2, 3 एंड डाउन।
या तो एंकल्स को होल्ड करें और या जमीन पर अपने हाथ रखें और आगे वाले घुटने पर बैठें. 1, 2, 3 कम बैक. होल्ड फॉर 3 काउंट. 1, 2, 3 एंड रिलैक्स. ऑपोजिट साइड के लिए तैयार. दोनों घुटने को सीधा रखें और प्रेस रखें. शोल्डर लिफ्ट, रोल बैक, चेस्ट ओपन. डीप ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट करते हुए एब्डोमिनल मसल लिफ्ट. दोनों कंधे सीध में. होल्ड फॉर 3 काउंट. बटक्स को स्क्वीज करते हुए अंदर की ओर. 1, 2, 3 पीछे वाला हाथ पीछे वाले घुटने पर. एंड होल्ड फॉर 3 काउंट. 1, 2, 3 स्ट्रेट. 1, 2, 3 नीचे वाला हाथ या तो एंकल्स को होल्ड पर या जमीन पर रखें सपोर्ट के लिए और आगे वाले थाइस पर शरीर का वजन. होल्ड फॉर 3 काउंट. 1, 2, 3 अप. होल्ड फॉर 3 काउंट. 1, 2, 3 एंड रिलैक्स. नी स्ट्रेट, कंधे को ढीला, टो सामने की ओर एंड रिलैक्स. गहरी श्वासों के साथ में शरीर को ढीला करते हुए. डीप ब्रीदिंग. अपने घुटने को उठाएं और पेट पर दबाएं. यदि आप चाहें तो वॉल का, दीवार का सपोर्ट ले सकते हैं और पेट पर दबा सकते हैं. स्ट्रेच इनर थाई मसल के लिए. स्ट्रेच ऑल्टरनेट लेग और पीछे की ओर. उठक बैठक करेंगे 3 टाइम. उसके बाद फ्रॉग पोज. डीप ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट. यहां पे शरीर को रिलैक्स करते हुए 2-3 बार गहरी श्वासें. डीप ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट एंड अप. जब आप उठते हैं और बैठने के दौरान आपको ताकत लगानी है अपने थाई मसल पे, अपने हिप्स या ग्लूट मसल पे और अपने एब्डोमिनल मसल पे. इसको टाइट करना है और ताकत यहां से लगानी है जिसकी वजह से आपका पेट और हिप्स कम होगा, यहाँ की मसल की टोनिंग और टाइटनिंग होगी और घुटनों पर जोर नहीं आएगा. रिपीट करेंगे. एब्डोमिनल मसल लिफ्ट. पेट को अंदर की ओर खींच कर रखें. पीठ को सीधा रखें. उठने के पहले डीप ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट. टमी स्क्वीज टाइटली होल्ड एंड थाइस, हिप्स एंड पेट पर जोर लगाते हुए. अब रिपीट लास्ट टाइम. यहां पे रिलैक्स एंड डीप ब्रीदिंग. लेकिन एब्डोमिनल मसल लिफ्ट. उठने के पहले ब्रीद आउट, टमी स्क्वीज एंड अप. शरीर को ढीला, गहरी श्वासें. फ्रॉग पोज एक बार देख लीजिए, बहुत फायदेमंद है. जिनको वेरिकोस वेन है उनके लिए तो बहुत फायदेमंद है. जिनको नी प्रॉब्लम, जिनकी हड्डियों में गैप नहीं है वे लोग आराम से कर सकते हैं. जिनके नी में गैप है वे लोग इसको ना करें. जिनको किसी और तरीके का आर्थराइटिस का दर्द है या कोई और तरीके का दर्द है वे आराम से कर सकते हैं. और जिनको पेट कम करना है और हिप्स को कम करना है उनके लिए बहुत फायदेमंद है. एक्सहेल करते हुए हाथ को अंदर से लेंगे. जो जिनको आता है वे साथ में करें, जिनको नहीं आता है वे देखें. और चिन अप रखेंगे, टमी को स्क्वीज रखेंगे. हिप्स अप एंड डाउन एंड प्रेस. हिप्स अप डाउन एंड प्रेस. हिप्स अप डाउन एंड प्रेस. हिप्स को उठाना है, हाथ को अंदर से निकालना है एंड अप. गहरी श्वासें जिन्होंने किया उनके लिए. जिन्होंने नहीं किया उनके लिए और जो रिपीट कर रहे हैं उनके लिए सेकेंड टाइम. टमी स्क्वीज टाइटली होल्ड. अपने हाथों को इस तरीके से लेंगे और चिन अप रखेंगे. हिप्स अप
and down and breath one, hips up, down and breath two. लेकिन अपने abdominal muscle को tummy को squeeze and tightly hold रखें. कम से कम minimum three, maximum five time hips up and down करें. Tummy squeeze tightly hold last one, down and press. हाथ अंदर से निकालना है and up. शरीर को ढीला तुरंत और गहरी श्वास and deep breathing. बैठेंगे स्क्वाट पोजीशन में या मलासन. इसे हिंदी में इस आसन का नाम है मलासन या स्क्वाट, जिसे हम रोजमर्रा में कहते हैं डीप स्क्वाट. लेकिन अपने पैरों को भी सीधा नहीं करेंगे, इस तरीके से बैठना है. अपने एल्बो को रखना है घुटने पर, एक हाथ सामने की तरफ, हथेली को टर्न और फिर से घुमाते हुए पीछे की ओर लाएंगे. इस तरीके से हथेली को टर्न, पीछे से घुमा के हाथ को इस तरीके से रखना है और दूसरा हाथ लॉक, चेस्ट ओपन और दूसरी तरफ देखते हुए. ये बहुत बढ़िया ट्विस्ट है जिनको बैक पेन है, जिनको स्कैपुला बोन के आसपास दर्द रहता है, गर्दन का दर्द रहता है, शोल्डर पेन रहता है, उनके लिए बहुत फायदेमंद है. रिलैक्स. ऑपोजिट साइड, दूसरे पैर को फोल्ड करें, अपने एल्बो को रखें, जो पैर आपका ऊपर है उसी साइड का हाथ आगे की ओर खींचे और शरीर को आगे झुकाएं, हथेली को टर्न करें. डीप ब्रीदिंग ब्रीद आउट और ऊपर वाले हाथ से चेस्ट एंड शोल्डर ओपन, आंखों से पीछे कंधे की तरफ देखते रहें. ब्रीथ स्लोली. एंड रिलैक्स. शरीर को ढीला. अपने पैरों को घुटनों को इस तरीके से पटकें, फिंगर को ओपन एंड स्ट्रेच एंड स्क्वीज. ये प्रक्रिया, ये सूक्ष्म व्यायाम आपके पैरों के दर्द को कम करेगा और उसके साथ ही कमर के दर्द को भी कम करता है. उंगलियों को ओपन करें, स्ट्रेच करें और स्क्वीज करें. जब आप स्क्वीज करें तो उंगलियों को एक के ऊपर एक ना आने दें. उंगलियां स्क्वीज करें लेकिन उंगलियां एक के ऊपर एक ना चढ़ें, इसका ध्यान रखें. फिंगर ओपन एंड स्ट्रेच एंड स्क्वीज. फिंगर ओपन एंड स्ट्रेच एंड स्क्वीज. पॉइंटेड टोज एंड बैक. पॉइंटेड टोज एंड बैक एंड सर्कल. इस सूक्ष्म व्यायाम को करने से आपके शरीर को बहुत दिन भर अच्छा लगता है. दिन भर बैठने का काम हो या किचन का काम हो, यहां से भागा दौड़ी का काम हो, किसी भी काम के लिए आपकी टांगे और आपकी कमर दर्द नहीं होनी चाहिए. उसके लिए ये बहुत बढ़िया सूक्ष्म व्यायाम. दोनों तरफ घुमाएं, दोनों पैरों के बीच डिस्टेंस और फिर इसे हर डायरेक्शन में घुमाएं. इसका सही तरीका डॉर्सिफ्लेक्शन, प्लांटर फ्लेक्शन और डॉर्सिफ्लेक्शन एंड रिवर्स. लेकिन अपने एब्डोमिनल मसल को लिफ्ट रखें और खिंचाव को फील करें अपने पैरों में. अब फ्रंट बेंडिंग के लिए तैयार. अपने हाथों को कमर के बगल में एंड सेट करना है. अपने हिप बोन के ऊपर बैठना है, अपने हिप्स को सेट करेंगे और कुछ नर्व नीचे हो सकता है आपके, दबती हो या खिंचती हो जब आप आगे की ओर झुकते हैं तो, इसीलिए अपने पैरों को एडजस्ट करते हुए दोनों हाथ ऊपर की ओर. डीप ब्रीदिंग ब्रीद आउट. कमर के निचले हिस्से से झुके, स्पाइन को आगे की ओर सीधा खींचे, चिन अप रखें यदि आपको डबल चिन कम करना है तो. न्यू स्ट्रेट एंड लॉक. ब्रीथ स्लोली. जब आप नी को प्रेस करते हैं, थाइस मसल टाइट होती है, इसे टाइट करें.
टमी को स्क्वीज एंड लिफ्ट करें एंड हेड डाउन। हर एक फिर के साथ थोड़ा सा नीचे आने की कोशिश। 1, 2, 3, 4 and 5 कम बैक फास्ट अप एंड डाउन। डीप ब्रीद इन ब्रीद आउट, या तो पिलेटे या भस्त्री का ब्रीदिंग। छो कमर के निचले हिस्से से बैंड हो और जब आगे झुके तो चिन को अप रखें, चम्मी को स्क्वीज रखें, चाहे इनहेल या एक्सहेल करें लेकिन अपने पेट को ढीला ना छोड़ें, क्योंकि हर व्यायाम में हमें पेट के ऊपर जरूर काम करना है। चाहे हम कोई भी एक्सरसाइज करें लेकिन टमी की मसल को लिफ्ट एंड स्क्वीज करके रखने से आपका पेट बहुत जल्दी धीरे धीरे शेप लेगा और कमर पतली होने लगेगी। लास्ट 3, लास्ट 2 एंड लास्ट 1। होल्ड एंड स्ट्रेच। कमर के निचले हिस्से को खिंचाव को फील करें। कम बैक, बैक स्ट्रेट एंड शोल्डर रिलैक्स। 1 leg fold, शोल्डर लिफ्ट, रोल बैक, दोनों हाथ ऊपर की ओर। डीप ब्रीद इन ब्रीद आउट करते हुए अपने स्पाइन को आगे की ओर खींचते हुए आपके हिप बोन से लेकर घुटने तक के मसल में खिंचाव को फील करें। एंड हेड डाउन, ब्रीथ स्लोली, होल्ड फॉर 5 count, लेकिन टमी को स्क्वीज एंड होल्ड। 1, 2, 3, 4 and 5। उठने के पहले ब्रीद आउट, टमी स्क्वीज, कम बैक। ऊपर की तरफ अपने हाथों को ताकत लगाकर खींचे। डीप ब्रीद इन ब्रीद आउट, चिन अप करते हुए अपने स्पाइन को आगे की ओर खींचते हुए। एंड हेड डाउन, 1, 2, 3, 4 and 5। कम बैक, बैक स्ट्रेट एंड शोल्डर रिलैक्स एंड ऑपोजिट साइड। डॉर्सिफ्लेक्शन, नी स्ट्रेट एंड लॉक एंड प्रेस एंड थाइज मसल tightly hold and lift and abdominal muscle lift। दोनों हाथ ऊपर की तरफ और अपने कमर को और पीठ को सीधा करें। स्पाइन और नेक को ऊपर की ओर खींचे। डीप ब्रीद इन ब्रीद आउट, एक्सहेल, टमी स्क्वीज, लिफ्ट, कमर के निचले हिस्से से खिंचाव को फील करें और वहां से झुकने के लिए फोर्स लगाएं। टोस को चेहरे की ओर खींचे, घुटने को बिल्कुल सीधा एंड प्रेस, टमी स्क्वीज, टाइटली होल्ड, posture hold for 5 count, 1, 2, 3, 4 and 5, come back, ऊपर की तरफ खींचना है शरीर को फिर से तैयार करना है। deep breathing without, chin up करते हुए अपने spine को आगे की ओर खींचते हुए, and head down, 1, 2, 3, 4 and 5, come back, back straight and relax, दोनों पैरों को सीधा, support लेना है, अपने spine को सीधा करना है, और hip bone के आसपास नीचे, और आपके knees तक जो muscles जा रही हैं, उनको set करेंगे, क्योंकि कुछ लोगों ने कहा है कि उनको कभी-कभी खिंचाव feel होता है, उसके लिए इस तरीके से अपने आप को adjust करें, dorsiflexion रखें, टोस को चेहरे की ओर, नी को स्ट्रेट, इस तरीके से अपने पैरों को ढीला ना छोड़े, आगे गिरा हुआ ना रहे या पीछे की तरफ ढला हुआ ना रहे या लूज नहीं रखना है। डॉर्सिफ्लेक्शन एंड मेंटेन, शोल्डर लिफ्ट एंड रोल बैक, दोनों हाथ ऊपर की ओर खींचना है पहले ऊपर की ओर। एक्सहेल, चिन अप करते हुए आगे की ओर एंड हेड डाउन, कमर के निचले हिस्से से झुकेंगे और वहां पर खिंचाव को फील होने देंगे। हिप बोन यानी कि हिप बोन से लेकर आपके पैरों में पीछे की तरफ की मसल यानी कि हैमस्ट्रिंग में खिंचाव को फील करते हुए ब्रीथ स्लोली, पेट को ढीला ना छोड़ें, टमी को स्क्वीज, टाइटली होल्ड। एंड कम बैक, ऊपर की तरफ अपने शरीर को खींचे। डीप ब्रीद इन ब्रीद आउट करते हुए, चिन अप करते हुए आगे की ओर, कमर के निचले हिस्से से झुके।
डॉर्सिफ्लेक्शन मेंटेन, कुछ सेकेंड चिन आप यदि डबल चिन कम करना चाहते हो तो, क्योंकि चेहरे का शेप भी जरूरी है। कमर के निचले हिस्से से झुकते हुए फिर नीचे आने के बाद हेड डाउन एंड ब्रीथ स्लोली, टमी को स्क्वीज एंड टाइटली होल्ड, कम बैक, चक्की, डीप ब्रीद इन ब्रीद आउट, बस ठीक है आप लैटरल ब्रीदिंग के साथ में, छो डमी को स्क्वीज रखें, टाइटली होल्ड रखें और पूरा सर्कल बनाएं, एंड रिवर्स, इनहेल एक्सहेल, टमी स्क्वीज टाइटली होल्ड एंड सर्कल, टू, थ्री, फोर एंड लास्ट टू एंड लास्ट वन एंड रिलैक्स बटरफ्लाई। अपने घुटने को अप एंड डाउन करते हुए पटके, और फिर अपने हथेलियों से अपने घुटनों को इस तरीके से पटके, अप एंड डाउन मोमेंट, पिलाटे या भस्त्रिका ब्रीदिंग के साथ, एक्सहेल करने के साथ अपने एब्डोमिनल मसल को टाइटली होल्ड, डाउन एंड अप, डीप ब्रीदिंग विद आउट, टमी स्क्वीज टाइटली होल्ड, डाउन एंड अप, डीप इनहेल एक्सहेल, टमी स्क्वीज टाइटली होल्ड, चिन अप करते हुए नीचे होल्ड फॉर थ्री काउंट, वन टू थ्री, टमी स्क्वीज होल्ड एंड कम बैक, डीप इनहेल एक्सहेल लास्ट टाइम, चिन अप करते हुए कमर के निचले हिस्से से आगे की ओर झुकते हुए ब्रीद स्लोली, वन टू थ्री, कम बैक एंड रिलैक्स। अपने पैरों को पेट पर दबाएंगे और प्रेस करेंगे, दोनों पैर आगे की ओर, एक बार फिर से रिलैक्स करते हुए एक पैर को दूसरे पैर पर रखेंगे, अपने हिप बोन को और अपनी मसल को जो नीचे हिप के आसपास है उसे सेटल करेंगे, डॉर्सिफ्लेक्शन, दोनों हाथ ऊपर की ओर एंड डाउन एंड होल्ड फॉर फाइव काउंट, वन टू थ्री फोर एंड फाइव, अप, एक तरफ आपको अपने हाथों को रखना है और नीचे की ओर सिर को झुकाना है, दोनों हाथ जिस तरफ आपका घुटना मुड़ा हुआ है उस तरफ आपको दोनों हाथ रखने हैं, एंड हेड डाउन, होल्ड फॉर फाइव काउंट, वन टू थ्री, साइड चेंज, वन लेग फोल्ड, अपने हिप के नीचे मसल को एडजस्ट करें, डॉर्सिफ्लेक्शन रखें दोनों हाथ ऊपर की ओर, डीप ब्रीद इन ब्रीद आउट, कमर के निचले हिस्से से बेंड हो, आगे की ओर झुकें, घुटने को सीधा, दूसरे पैर का वजन आपके नी को प्रेस करता हुआ, ब्रीथ स्लोली, पोस्चर को होल्ड फॉर फाइव काउंट, वन टू थ्री फोर एंड फाइव, कम बैक, रिपीट, डीप ब्रीद इन ब्रीद आउट, होल्ड फॉर फाइव काउंट, वन टू थ्री फोर एंड फाइव, कम बैक। अब जिस तरफ का आपका पैर मुड़ा हुआ है जो घुटना, दोनों हाथ फ्लोर पर रखें एंड डीप ब्रीद इन ब्रीद आउट एंड डाउन, कम बैक एंड रिलैक्स। पालथी मारेंगे, सूक्ष्म व्यायाम करेंगे और साथ ही हमारी साइड की ऑब्लिक वाले हिस्से के लिए
वर्कआउट करेंगे, एक हाथ ऊपर की ओर एंड पिलाटे ब्रीदिंग के साथ या भस्त्रिका का ब्रीदिंग, इनहेल एक्सहेल, एल्बो फोल्ड, नीचे वाला एल्बो फोल्ड, वन सेम साइड, टू एंड होल्ड फॉर थ्री काउंट, वन टू थ्री, इनहेल एक्सहेल टमी स्क्वीज, होल्ड फॉर थ्री काउंट, वन टू थ्री, inhale exhale squeeze tummy squeeze tightly hold, one two three, last two, hold for three count, one two three, last one, tummy squeeze, one two three. Opposite side ke liye taiyar, shoulder lift, roll back, chest open, dusra wala hath aapke bagal mein rakhenge. Squeeze abdominal muscle, lift of side oblique में खिंचाव को feel करते हुए, come back, repeat, deep inhale exhale, squeeze tightly hold, hold for three count, one two three, up inhale exhale, tummy squeeze and down, side oblique में खिंचाव, one two three, hold for three count, one two three, last two, hold for three count, one two three, last one. Feel कीजिए कि इसमें आपका कौन सा मसल एंगेज हो रहा है और कहां कहां पे आपको खिंचाव फील हो रहा है. अब थोड़ा सा मूवमेंट अप एंड डाउन, वन स्लो करेंगे, स्मूथली आराम से सेम साइड अपने एब्डोमिनल मसल को लगातार लिफ्ट एंड स्क्वीज रखें, अपने एब्डोमिन को टाइटली होल्ड रखें. ऑपोजिट साइड, टमी को स्क्वीज टाइटली होल्ड, लास्ट वन एंड रिलैक्स, शोल्डर रोटेशन, one two and three, shoulder rotation opposite side, peeth ke bal letenge, ab crunches ke liye taiyar. Sabse pehle upper abdomen ke liye upper body up and down, kyunki upper abdomen ke liye zyada exercise nahi hai, ye sabse effective hai upper abdomen ke liye aur middle abdomen ke liye, dono ke liye. Apne pairon ko दोनों को आपस में, थाइस और नीज को आपस में जोड़ें, अपने टोज आपस में मिलाएं, डीप इनहेल एक्सहेल, टमी स्क्वीज, लोअर बैक प्रेस, अपने जमीन पर लोअर बैक को मैट पर प्रेस करें एंड अप एंड डाउन, टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, पूरी ताकत अपने कमर से लेकर कंधे तक लगाएं ऊपर उठने के लिए, गर्दन को परेशान नहीं करना है. लास्ट थ्री टू एंड वन, रिलैक्स. इसमें आपका अपर एंड मिडल एब्डोमिन एंगेज हुआ. अब हम करेंगे साइक्लिंग, इसमें आपका लोअर एंड मिडल और उसके साथ थाइस, आपके हिप्स और जो आपका जॉइंट है आपके था इसके ऊपर वाला एब्डोमिन हिस्सा है और लोअर एब्डोमिन और पेल्विक हिस्सा, वो सारा का सारा एंगेज होगा. डीप इनहेल एक्सहेल करते हुए साइक्लिंग, और फील करें साइक्लिंग में आप कौन कौन सा मसल एंगेज करें. जब आपका श्वास टूटता है तो भस्त्रिका या पिलाटे ब्रीथ करें, जिससे कि आप अपने पेट को ज्यादा अच्छे तरीके से होल्ड कर पाए, अपनी टमी को कॉन्ट्रेक्शन पोजिशन में रखें, लोअर बैक को प्रेस रखें, एब्डोमिनल मसल को स्क्वीज रखें, पेट को ढीला छोड़कर मूवमेंट ना करें, नहीं तो कोई फायदा नहीं होगा. रिवर्स, और आराम से करें रिवर्स. फील करें कौन कौन सा मसल आपने एंगेज किया,
पेट में बर्निंग सेंसेशन या हीट आपको फील हो रही है तो उसे मेंटेन रखें, रुके नहीं, क्योंकि यही हीट और बर्निंग सेंसेशन आपकी कैलोरी को ज्यादा बर्न करता है पेट के आसपास के हिस्से से। रिलैक्स, डीप ब्रीदिंग। क्रिस-क्रॉस साइक्लिंग, जिसमें हम अपर मिडल लोअर तीन एब्डोमिन को एंगेज करेंगे और पिलाटे ब्रीदिंग या भस्त्रिका ब्रीदिंग के साथ जब भी श्वास टूटे एक्सहेल करें और पेट को कॉन्ट्रैक्शन पोजीशन में स्क्वीज करके रखें। शुरू करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Relax. रिलैक्स डीप ब्रीदिंग और पेट में गर्मी को या जलन को महसूस करें और उसे होने दें। कौन कौन से हिस्से में आपको जलन महसूस हो रही है, उन सभी हिस्से ने आपका वर्कआउट किया, लेकिन गर्मी पूरे शरीर में भी महसूस होगी, यानी कि फैट बर्निंग की प्रक्रिया शुरू है। इसलिए गहरे ऑक्सीजन के साथ में फैट बर्निंग की प्रक्रिया को और बढ़ाएंगे। एक बार फिर से रिपीट करेंगे, लेकिन सिंपल साइक्लिंग। अपर बॉडी को लिफ्ट नहीं करना है। जब आपका श्वास टूटे हर एक्सहेल के साथ अपनी टमी को अंदर की ओर स्क्वीज रखें। माइंड का फोकस, आपने कौन कौन से मसल को एंगेज किया, लोअर एब्डोमिन को, थाइस को, हिप्स को। एंड रिवर्स। जब हमारा 90 डेज होगा उसमें बीबीटी ट्रेनिंग यानी कि बिकनी बॉडी ट्रेनिंग हम कुछ दिनों के बाद जब आप यूज्ड हो जाएंगे वो ट्रेनिंग स्टार्ट होगी, जो कि आपके पेट और कमर को बहुत कम करती है। तो जिन लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है वे जरूर करें, क्योंकि वैसे तो भरे पड़े हैं, बहुत सारे नॉलेज आपको मिल जाएगी, लेकिन ट्रेनर के साथ वर्कआउट करने का मजा नहीं मिलेगा। क्रिस-क्रॉस साइक्लिंग, कम से कम 50 काउंट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 5 6 7 8 9 10 Last 3. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Last 2. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Last 1. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Relax, deep breathing और गर्मी को feel करें शरीर में, गर्मी को, जलन को, और गहरी श्वास ले इस दौरान, जिससे आपका ऑक्सीजन ज्यादा मिले और फैट बर्निंग ज्यादा हो। क्रिस-क्रॉस साइक्लिंग में हमने लगभग पूरे शरीर को हमने एंगेज किया, अब केवल लोअर एब्डोमिन के लिए, क्योंकि निचला हिस्सा महिलाओं का पेट का ढीला लटक गया होता है, वहां की मसल में स्ट्रेंथ नहीं होती है, जिसकी वजह से चर्बी ज्यादा इकट्ठी हो गई होती है। सिंपल है इसके लिए कि 90 डिग्री अप एंड डाउन, लेकिन जब आप पैर को ऊपर लें तो यहां इनहेल एक्सहेल, टमी स्क्वीज, लोअर बैक को प्रेस और अपने पैरों को मैट तक लेकर जाएं। इसे कम से कम मिनिमम 10 टाइम करें। केवल नीचे लटके हुए पेट के लिए ही नहीं, आपके पेल्विक एरिया के लिए, आपके हिप्स के लिए, आपके थाइस के लिए, इसके अलावा यूट्रस, ओवरीज,
जो पेट के निचले हिस्से में स्थित है उसकी मसल को भी ये स्ट्रेंथ देगा, हार्मोन को बैलेंस करेगा, पीरियड्स की प्रॉब्लम को सही करेगा, मेनोपॉज को बहुत इजीली निकल जाने देगा। मेनोपॉज टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि मेनोपॉज आपका चल रहा है उसमें बहुत फायदेमंद है ये। एंड रिलैक्स, डीप ब्रीदिंग। दोनों पैर सीधे, लोअर एंड मिडल एब्डोमिन के लिए, उसके साथ ही हिप्स के लिए, थाइस के लिए और साइड ऑब्लिक के लिए एक एक सिंगल लेग सर्कल 5 टाइम, कंप्लीट सिंगल लेग सर्कल। पिलाटे या भस्त्रिका का ब्रीथ जरूर करें और अपनी एक्सहेल करने के बाद अपनी टमी को अंदर की ओर स्क्वीज रखें, ऑपोजिट रिवर्स। फोकस करें इसमें आप कौन कौन सा मसल एंगेज कर रहे हैं। एंड रिलैक्स, ऑल्टरनेट लेग, डीप इनहेल एक्सहेल एंड सर्कल। डमी को स्क्वीज रखें, फोकस करें कौन से मसल को आप एंगेज कर रहे हैं। कम से कम 5 टाइम बड़ा सा सर्कल बनाए अपने पैरों से। एंड रिवर्स, जितना बड़ा सर्कल बनाएंगे उतना ज्यादा फायदा। इसमें आपके हिप्स, थाइस, लोअर एब्डोमिन एंड लोअर ऑब्लिक मसल, ट्रांसवर्सिस मसल इसमें आपकी एंगेज होती है। एंड रिलैक्स, डीप ब्रीदिंग। एक और सिंपल लेकिन बहुत इफेक्टिव वर्कआउट, जो आपके लोअर और मिडिल एब्डोमिन को तो प्राइमरी मसल इफेक्ट करेगा और सेकेंडरी मसल के रूप में अपर एब्डोमिन, यानी कि आपके लोअर मिडिल अपर तीनों और साथ ही साइड तक कंप्लीट बॉक्स आपके रिब केज के नीचे से लेकर साइड से लेकर और कंप्लीट लोअर एब्डोमिन तक के लिए। इसके अलावा थाइस एंड ग्लूट के लिए भी, लेग फोल्ड एंड स्ट्रेट और अपने पैरों को जमीन के ज्यादा पास रखें, पॉइंटेड टोस, लेग फोल्ड, एक्सहेल टमी स्क्वीज टाइप की होल्ड, लेग स्ट्रेट, लेग फोल्ड, यहाँ पे इनहेल एक्सहेल, टमी स्क्वीज, लेग स्ट्रेट। जब अपने पैरों को सीधा करें तो घुटने को सीधा रखें, नी को स्ट्रेट रखें, दोनों पैरों को मिला के रखें, आपके दोनों पैर जुड़े हुए, क्योंकि इसके नेक्स्ट वाला हम दोनों पैरों में डिस्टेंस रख के करेंगे जिसमें कि अलग मसल एंगेज होती है। पेट का कोई भी हिस्सा, पेट की कोई भी मसल को हम एवरीडे यूज कर लेते हैं, उसको स्ट्रॉन्ग बनाते हैं और जिससे पेट की चर्बी कम होती है, लेकिन केवल वर्कआउट काफी नहीं होता, इसके लिए प्रॉपर डाइट जरूरी है। कितना भी आप वर्कआउट कर लो, कितने भी एप पंचेस कर लो, उसका बेनिफिट आपको प्रॉपर डाइट और प्रोटीन शामिल करने के बाद ही मिलेगा। एंड रिलैक्स, रिपीट करेंगे लेकिन दोनों पैरों के बीच अब थोड़ा सा डिस्टेंस बढ़ जाएगा और फोकस करें कि डिफरेंट तरीके की मसल अब आपकी एंगेज होगी। डीप इनहेल एक्सहेल यहाँ पे एंड लेग स्ट्रेट, दोनों पैरों के बीच में डिस्टेंस बढ़ेगा, दोनों पैरों को अलग रखना है, टमी को स्क्वीज करते हुए पैर को सीधा रखें, होल्ड फॉर 3 काउंट, 1, 2, 3। हम इनहेल एक्सहेल करते हुए, पिलाटे एक्सहेल करते हुए अपनी अंदरूनी ट्रांसवर्सिस मसल को एंगेज कर रहे हैं, उसे स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये प्रोटीन का सेवन करने के बाद ही स्ट्रॉन्ग होगी। वर्कआउट करके तो हमने इसको टीयर किया है, मसल्स को टीयर कर रहे हैं, जिसकी वजह से हल्का हल्का दर्द होता है थोड़ी देर बाद, लेकिन वो फायदेमंद है। उसके बाद आपको अपने खाने में प्रोटीन शामिल करना होता है। वेजिटेरियन लोगों के लिए सिंगदाना, दालें, स्प्राउट और नॉन वेजिटेरियन लोगों के लिए अंडा, मछली या चिकन। वेजिटेरियन लोगों के लिए पनीर एक सोर्स है, प्रोटीन का अच्छा सोर्स, लेकिन उसे
हफ्ते में एक ही बार खाना चाहिए. एंड रिलैक्स, डीप ब्रीदिंग, गहरी श्वास और शरीर को ढीला. कीगल एक्सरसाइज और उसके साथ ही पेट के लिए भी, यूट्रस, ओवरीज, लोअर एब्डोमिन, ग्लूट यानी कि बटक्स एंड थाइस, इन सभी के लिए नौकासन बेस्ट कीगल एक्सरसाइज है. डीप इनहेल एक्सहेल, टमी अंदर स्क्वीज एंड होल्ड, थाइस मसल टाइटली होल्ड, पॉइंटेड टोज, बटक्स को स्क्वीज, एब्डोमिनल मसल स्क्वीज, पेल्विक मसल जो आपके वजाइना के आसपास है उन सारी मसल को स्क्वीज एंड होल्ड रखें. एंड रिलैक्स. जिनको ब्लैडर लीक होने का प्रॉब्लम है उनके लिए भी फायदेमंद है. एक बार फिर से रिपीट, डीप इनहेल एक्सहेल, टमी स्क्वीज अप एंड होल्ड, वेजाइनल मसल को स्क्वीज करें, पेल्विक मसल को स्क्वीज करें, बटक्स को स्क्वीज करें, पेट को अंदर की ओर खींचे, ताकत लगाएं पेट के द्वारा शरीर के वजन को उठाने की. एंड रिलैक्स, डीप ब्रीदिंग, दोनों हाथ थाइस पर, ये लोअर एब्डोमिन के लिए भी और कीगल एक्सरसाइज भी है कीगल मसल्स के लिए. दोनों हाथ थाइस पर, डीप इनहेल एक्सहेल, टमी अंदर स्क्वीज एंड होल्ड, 1, 2, 3, 4 and 5. रिलैक्स डीप ब्रीदिंग. जिनको सर्वाइकल का प्रॉब्लम है वे लोग इसे ना करें, या करना भी है तो केवल 2 या 3 काउंट तक करें. रिपीट वन मोर टाइम, अपने बटक्स को स्क्वीज करें, अपने एब्डोमिनल मसल को स्क्वीज करें और पेल्विक एंड वेजाइनल मसल को स्क्वीज करें, थाइस को टाइटली होल्ड रखें, घुटने को सीधा एंड पॉइंटेड टोज, और पूरी ताकत लगाकर पेट पर फोर्स लगाकर पूरी बॉडी की मसल, पूरी बॉडी को होल्ड रखें. डीप इनहेल एक्सहेल अप एंड होल्ड, 1, 2, 3, 4, 5. रिलैक्स डीप ब्रीदिंग, गहरी श्वास. इससे आपका पेट ही नहीं, इससे आपका स्पाइन भी स्ट्रांग होता है, जो अभी हमने पिछला वाला नौकासन किया. अब पेट के बल आ जाएंगे भुजंगासन के लिए. पीठ के बल लेट कर जितने भी एब क्रंचेस करते हैं और पेट के बल जितने भी एक्सरसाइज करते हैं, ये महिलाओं के ऑर्गन्स के लिए, अंदरूनी ऑर्गन्स के लिए बहुत हेल्पफुल है. इन्हें हर रोज करते रहना चाहिए जब तक आप जीवित हैं, जब तक सांस में श्वास है हमारे, तब तक हमें एक्सरसाइज करते रहना चाहिए. पॉइंटेड टोज अप एंड होल्ड, रिलैक्स, अप एंड डाउन मूवमेंट. ये लोअर एब्डोमिनल मसल के लिए, इंटरनल ऑर्गन के लिए, डाइजेशन सिस्टम के लिए, बैक के लिए, हाथों के लिए, कंधे के लिए. अप एंड डाउन मूवमेंट 10 to 15 काउंट. इनहेल अप, एक्सहेल डाउन. बहुत बड़े हिस्से में इसका फायदा होता है. शरीर के साथ साथ आपके लंग्स भी ज्यादा एक्टिव होते हैं, ऑक्सीजन ज्यादा इनहेल करते हैं और CO2 ज्यादा एक्सहेल करते हैं, जिसकी वजह से ब्रेन तक ऑक्सीजन ज्यादा पहुंचती है, पूरे शरीर से टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं, हर तरीके का दर्द आपके श्वासों के द्वारा रिलीज होता है, कई ग्रंथियां जो आपके विकास को रोकती हैं वे सारी रिलीज होती हैं. रिलैक्स डीप ब्रीदिंग एंड लेग अप एंड डाउन. एक बार फिर से रिपीट करेंगे. शरीर के बेनिफिट के साथ साथ ही यह मानसिक अशांति को भी दूर करता है. रिपीट, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, कम से कम 10 times.
इस व्यायाम के बहुत फायदे हैं, पूरे शरीर को फायदा है, शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से भी। ब्रेन ज्यादा एक्टिव होगा, चिंताएं आपकी कम होंगी, स्ट्रेस लेवल कम होगा, उदासीपन दूर होगा, एंड रिलैक्स लेग अप एंड डाउन। भुजंगासन को होल्ड रखेंगे, दोनों हाथों को आपकी चेस्ट के बगल में पॉइंटेड टोज़, दोनों पैरों को मिलाना है। भुजंगासन होल्ड, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, इनहेल अप एंड होल्ड, एल्बो स्ट्रेट, कमर और नाभि फ्लोर के ज्यादा पास, चिन को आप आंखों से ऊपर की ओर देखेंगे, बटक्स को स्क्वीज करेंगे, नी स्ट्रेट, पॉइंटेड टोज, ब्रीथ स्लोली एंड रिलैक्स। आपके चेहरे के दोनों तरफ हाथों को रखेंगे और स्ट्रेच करेंगे। रिलैक्स, हथेली आपके चेस्ट के नीचे इस तरीके से, हथेली एक के ऊपर एक, इसमें भी कम से कम 5 काउंट अप एंड डाउन स्टार्ट करेंगे। इन्हेल, रिलैक्स, दूसरा हाथ, ऑल्टरनेट हैंड, फील करें कहां दुख रहा है, यहां। जो स्लीवलेस ब्लाउज पहनना चाहते हैं, अपने शेप को, हाथों के शेप को खूबसूरत करना चाहते हैं कंधे के शेप के लिए, उनके लिए बहुत फायदेमंद है। रिपीट करेंगे 5 काउंट, एंड रिलैक्स, लेग अप एंड डाउन। दो भुजंगासन, करवतासन एंड प्लैंक, पॉइंटेड टोज, डीप ब्रीदिंग ब्रीद आउट, होल्ड फॉर 3 काउंट, 1, 2, 3, टोज पर आना है, एक और अप एंड होल्ड, 1, 2, 3, डीप ब्रीदिंग ब्रीद आउट, करवतासन, टमी अंदर स्क्वीज, फ्लैट फुट, अपनी एड़ियों को जमीन पर टच करने की कोशिश करें, अपर बॉडी पुश, टमी को स्क्वीज, लिफ्ट, रिब केज तक अपने पेट को खींचें, 1, 2, 3 एंड प्लैंक एंड होल्ड, 1, 2, 3, घुटने के बल आना है और वज्रासन में स्ट्रेच करना है एंड रेस्ट करना है। वज्रासन में रेस्ट। अब हम करेंगे अपने पेट के लिए, उसके अलावा शोल्डर के लिए पुशअप करेंगे, लेकिन हाफ पुशअप करेंगे, जो कि लेडीज के लिए इजी होगा, मुश्किल नहीं है। या तो अपने हाथों को कंधे के नीचे रखें एंड अप एंड डाउन करें, थोड़ा सा इंटेंसिटी बढ़ाना है तो अपने हाथ को 1 फुट आगे ले जाएं और फिर अपने कंधों को वहां तक ले जाएं और फिर लेग को फोल्ड, और जिनको दुखता है घुटने पे वे लोग इसको फोल्ड कर लें। इसके ऊपर अपने नी को रखें, जिससे आपको आराम रहेगा, दुखेगा नहीं घुटने में। अपने कंधों को अपने हाथों के ऊपर एंड अप एंड डाउन, टमी को स्क्वीज एंड टाइटली होल्ड, टमी स्क्वीज, लोअर मिडल एंड अपर तीनों एब्डोमिन को फोकस करते हुए, लोअर एब्डोमिन को लिफ्ट, स्क्वीज एंड टाइटली होल्ड, स्क्वीज, एक्सहेल एंड डाउन, इनहेल एक्सहेल, स्क्वीज डाउन, लास्ट 3, लास्ट 2, लास्ट 1, एंड रिलैक्स एंड स्ट्रेच। कम बैक, गहरी श्वास से, शोल्डर के लिए हमने काफी किया, इसलिए शोल्डर रोटेशन, 1, 2,
एंड थ्री रिवर्स वन, जिससे आपका शरीर आपका कंधा बाद में दुखे नहीं, इसीलिए सूक्ष्म व्यायाम, अपने एल्बो को प्रेस। ये सूक्ष्म व्यायाम आपको लचीला ही नहीं बनाते लेकिन आपको शेप भी देते हैं बॉडी का। स्ट्रेच को फील करें, आपके सारे जोड़ों में एनर्जी बहुत स्मूथली फ्लो होती है जिसकी वजह से मन को अच्छा लगता है, एक डिफरेंट तरीके की हैप्पीनेस आपको दिन भर फील होती है। अपने नेक को स्ट्रेच करें, अल्टरनेट साइड, और प्राणायाम करेंगे लेकिन सुदर्शन क्रिया। सुदर्शन क्रिया बहुत इफेक्टिव है, बहुत सारा ऑक्सीजन आपको देती है और बहुत सारा टॉक्सिन्स आपके शरीर से निकालती है। शरीर को कंफर्टेबल रखें, या सुखासन में रखें या पालथी मारें, सुखासन में भी रख सकते हैं। जब इनहेल करें तो हाथ को ऊपर करें, एनर्जी को इनहेल करें, और एक्सहेल करें तो नेगेटिव एनर्जी को बाहर करें और टॉक्सिन बाहर निकल रही है ऐसा विजुअलाइज करें। इनहेल करते हुए ताकत लगाते हुए ब्रह्मांड से प्राण शक्ति को, पॉजिटिव एनर्जी को इनहेल करें और एक्सहेल करते हुए अपने एल्बोस को साइड पर करें, यहाँ पर प्रेशर दें और झटका दें और ऐसा फील करें कि नेगेटिविटी और स्ट्रेस और जितने भी दुख हैं वो एक्सहेल करके निकल रहे हैं और पॉजिटिव एनर्जी एंड हैप्पीनेस आप इनहेल कर रहे हैं। ऐसा कम से कम 15-15 के 3 सेट करने हैं। ये आपके लंग्स को भी मजबूत बनाएगा, ऑक्सीजन ज्यादा इनहेल करेगा, मन को शांत और बहुत खुश करेगा। शुरू करते हैं, लेकिन जिनको सर्वाइकल का प्रॉब्लम है वे लोग इसको केवल 4 या 5 काउंट के 3 रिपीटेशन करें या 2 रिपीटेशन करें और हल्के हल्के से करें। जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है वे अच्छे तरीके से करें। शुरू करेंगे, बैक स्ट्रेच, शोल्डर रिलैक्स एंड डीप ब्रीदिंग, और शरीर में उठने वाले वाइब्रेशंस को फील करेंगे। आंखों को बंद ही रखेंगे, पीठ को सीधा, आपका बैक स्ट्रेट एंड शोल्डर रिलैक्स। रिपीट 15 काउंट के लिए अप एंड डाउन। बैक स्ट्रेट, शोल्डर रिलैक्स एंड डीप ब्रीदिंग। रिपीट लास्ट टाइम। बैक स्ट्रेट, शोल्डर रिलैक्स एंड डीप ब्रीदिंग। शरीर को ढीला और शरीर में उठने वाली वाइब्रेशन को महसूस करें और गहरी श्वासों को लें। इसके साथ ही शवासन में लेट जाएं और लेटने के साथ श्वासों से जुड़ा हुआ ग्रहों का संबंध आप लोगों को शेयर करूंगी। लेटें, शरीर को ढीला भी रखें और सुनते भी जाएं। शरीर को ढीला रखें, हथेलियों को खुला हुआ रखें, शरीर से दूर लेटें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। शरीर रिलैक्स होगा, मन शांत होगा। अपने पैरों को ढीला छोड़ें, अपने कमर को ढीला छोड़ें, अपने दोनों हाथों को रिलैक्स करें, अपने कंधों को रिलैक्स करें, सिर को एक तरफ ढला हुआ या सीधा रखें और अपने चेहरे को रिलैक्स कर दें। श्वासों का ज्योतिषी में ग्रहों से संबंध। आंखों को बंद रखें और इस बात को ध्यान से सुने। हमारा सूर्य और नवग्रह हमारे सूर्य से कनेक्टेड हैं। सूर्य की वजह से ही हमारी पृथ्वी पर वातावरण है, हवा है, पेड़ पौधे हैं, पशु पक्षी हैं, इंसान है, जानवर है, और उन सभी ग्रहों की
किरणों का असर हमारे पृथ्वी पर होता है और पृथ्वी पर रहने वाले प्राणियों पर होता है। हमारे शरीर का अलग अलग हिस्सा अलग अलग ग्रहों के साथ संबंधित है। यदि आप ज्योतिषी से संबंधित जानकारी थोड़ी बहुत भी आपको पता हो, हमारी कुंडली में अलग अलग ग्रह अलग अलग स्थान पर बैठे होते हैं और हमारा शरीर भी एक तरह की कुंडली दर्शाता है। जो सामुद्रिक शास्त्र होता है, जो शरीर और चेहरे को देखकर किया जाता है, कहा जाता है, उनसे फ्यूचर प्रिडिक्ट हो सकता है या जो व्यक्ति कैसा है वो बताया जा सकता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है हमारी श्वासें। यदि आप प्राणायाम करते हो, बहुत ज्यादा मैं ज्योतिष में डीप में नहीं आपको कंफ्यूज करूंगी, केवल एक जरूरी श्वासों से संबंधित जो हमारे योग से संबंधित बातें हैं उसको कहूंगी। श्वासों से शनि का बहुत संबंध है। यदि लगता है किसी को कि शनि उनका वीक है या कोई परेशानी देता है, तो वे प्राणायाम या श्वासों के साथ व्यायाम जरूर करें, इससे उनका शनि स्ट्रांग होता है। असल में तो ग्रह बिचारे कभी भी हमारी बुरे के लिए नहीं है, वे हमें मदद करते हैं। उनकी शक्तियां हमारे शरीर को सही रखें और हम तक सही रूप में पहुंचे, जिसकी वजह से, योग करने की वजह से, हम अपने शरीर के हर एक हिस्से को स्ट्रांग बनाते हैं, उन्हें मजबूत बनाते हैं। उससे संबंधित ग्रह की शक्ति हमारे शरीर को संपूर्ण रूप में इजीली मिलने लगती है। हमारा शरीर उस प्राण शक्ति के रूप में उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। तो श्वासों को, यदि किसी को ऐसा डाउट है कि शनि उनका वीक है या शनि की साड़ी साथी है या इस तरीके का कोई भी अगर उन्हें फीलिंग है, तो वे प्राणायाम और श्वासों के साथ व्यायाम जरूर करें, इनहेल एक्सहेल। लेकिन व्यायाम करने के दौरान जरूर करें, इससे उनकी शनि की अवस्था में इंप्रूवमेंट होगा। यदि आपको कोई और शिकायत है कि आपके भाग्य में रुकावट है या ये वाला काम आपका नहीं होता है, अपने खाने में सब्जियों को और फलों को जरूर शामिल करें। अलग अलग रंग की सब्जियों को, अलग अलग रंग के फलों को अपने खाने में जरूर शामिल करें, क्योंकि हर एक रंग अलग ग्रह से कनेक्टेड है। सूर्य की शक्ति मिलने से पेड़ों को ऊर्जा मिलती है और सूर्य की एनर्जी और ऊर्जा से ही पेड़ और उसके ऊपर फल फूल पनपते हैं। और नवग्रह सूर्य के चारों तरफ सोलार सिस्टम में या सौर मंडल में घूमते हैं, उससे कनेक्टेड हैं। इसी वजह से कोई भी फल या सब्जी आपके डायरेक्टली आपके ग्रह से संबंधित है। जैसा कहते हैं कि हरा रंग बुध के लिए, पीला रंग गुरु के लिए, सफेद या नीला रंग शुक्र के लिए, इसी तरह जितने भी रंग के फलों को और सब्जियों को आप अपने खाने में शामिल करेंगे, यदि आप हरे रंग की सब्जियों को शामिल करते हैं तो आपका बुध स्ट्रांग होता है, यदि आप पीले रंग के फल और सब्जियों को शामिल करते हैं तो आपका गुरु स्ट्रांग होता है। हर तरह के रंगों के सब्जी और फलों को खाने में पूरे तरीके से शामिल करें। अलग अलग रंगों के अनाज को भी शामिल करें, जैसे कि हरे रंग की मूंग की छिलके वाली दाल हो या साबुत हरा चना हो या ब्राउन कलर का चना हो या मटकी मूंग हो, खाने में दालों को, इससे आपका शरीर ही तंदुरुस्त नहीं होगा बल्कि अपने प्रति अपने भाग्य को भी स्ट्रांग बनाने के लिए, शरीर और भाग्य और फ्यूचर को अच्छा बनाने के लिए, स्ट्रांग बनाने के लिए भी आप भोजन आपका बहुत इम्पोर्टेंट है। इसी तरह की बहुत सारी नॉलेज आप लोगों को 90 डेज के दौरान मिलेंगी, जिसमें कि चक्रों को भी एक्टिवेट किया जाएगा, कुंडलिनी अवेकनिंग का सेशन भी होगा और उनसे जुड़ी हुई आपके भाग्य से फ्यूचर के लिए बहुत सारी बातें आप लोगों को शेयर की जाएंगी। इसमें कोई वहम नहीं है, ये कोई अंधविश्वास नहीं है, ये हमारे प्राचीन, हमारे वेद और पुराण और आयुर्वेद, हमारी अपनी संस्कृति,
हमारे अपने ग्रंथ, हमारे वेद, उन्हीं से ली हुई सच्ची और वैज्ञानिक बातें हैं, जो कि पश्चिमी देश अब उन बातों को उनको मानने लगे हैं कि हाँ ये सारी बातें सच हैं। और हम उनका सुनकर क्यों हम फिर अपने सभ्यता को इम्पोर्टेंस दें, हम क्यों उनके कहने पर हम उसके बाद क्यों हम अपनी सभ्यता को समझें। हम पहले से ही अपने प्राचीन ग्रंथों की और अपनी सभ्यता की कद्र हमें खुद ही करनी चाहिए, दूसरा कोई बाहर वाला हमें कहे उसके बाद हमें माने ये बात ठीक नहीं है। ये अंधविश्वास और वहम से जुड़ा हुआ नहीं है, ये शरीर का विज्ञान है। सीधी सी बात है, यदि आप व्यायाम करते हैं, अपने भोजन का ध्यान रखते हैं, जिसकी वजह से आपका शरीर तंदुरुस्त रहता है और आप मन चाहा भाग्य बना सकते हैं। इसको खाने की वजह से आपका भाग्य अच्छा होगा ऐसा नहीं है, आप फिर अपने भाग्य को खूबसूरत बना सकते हैं, अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं, क्योंकि आपके एम्बिशंस को, आपकी इच्छाओं को, आपके लक्ष्यों को पूरा करने के लिए शरीर के अंदर ऊर्जा और ताकत की जरूरत है। इसी के साथ 3-4 बार गहरी श्वासों को लें और शरीर को ढीला छोड़ते हुए रिलैक्स हो जाएं। तीन चार बार गहरी श्वास और शरीर के होने का एहसास। अपने हाथ और पैरों की उंगलियों को हल्के से हिलाएं, अपनी दोनों हथेलियों को उठाकर आपस में रगड़ें, हथेली की गर्मी को अपने चेहरे पर लगाएं, आंखें खोलकर अपनी हथेली को सबसे पहले देखें और फिर से हथेली अपने चेहरे पर लगाएं, सिर पर लगाएं, अपने कंधों, अपने पैरों, और बड़े आराम से करवट लेते हुए, बड़े खुश होते हुए करवट लेते हुए उठकर बैठें। आज के लिए इतना काफी, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी बातों को समझकर उसे फॉलो करें और अपने जीवन में परिवर्तन लाने की, अपने जीवन को खूबसूरत बनाने की कोशिश करें, लेकिन उसके साथ ही केवल अपनों को ही नहीं, अपने आसपास के लोगों को जिन्हें इस कार्यक्रम की बहुत जरूरत है, उनके भाग्य को संवारने के लिए, उनके जीवन को खूबसूरत बनाने के लिए आप माध्यम बने। आज के लिए इतना काफी, थैंक यू सो मच। अब सोमवार को मिलेंगे, लेकिन 2 दिन मिस ना करें वर्कआउट। यूट्यूब पर काफी सारे वर्कआउट हैं, उसमें से आप अपनी पसंद का कोई भी वीडियो पिक करें और सैटरडे संडे जरूर फॉलो करें। नहीं होता तो कम से कम वॉक पर जरूर जाएं, यदि बाहर बारिश ना हो तो वॉक पर जरूर जाएं, और यदि बारिश है तो घर के अंदर ही कम से कम 15 से 20 मिनट का वर्कआउट जरूर करें। थैंक यू सो मच।